की बिंदास अभिनेत्री अमला पाल अपनी बेबाक राय रखने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि आखिरकार क्यों उन्होंने तमिल इंडस्ट्री छोड़ दी। अमला पाल एक दशक से अधिक समय से साउथ फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं और इस दौरान उन्होंने दर्जनों फिल्मों में काम किया। ओणम के मौके पर शेयर की गई अभिनेत्री की खूबसूरत तस्वीरों के साथ चलिए उनके एक हालिया इंटरव्यू पर चर्चा करते हैं। आमला अपने कैरियर में तमिल तेलुगु से लेकर कन्नड़ मलयालम साउथ सभी इंडस्ट्री का हिस्सा रही है। वह साल 2011 से 2015 तक इस इंडस्ट्री में सक्रिय रही, फिर उन्होंने इसे अलविदा कह दिया। तेलुगु इंडस्ट्री में अपनी सक्रियता के दौरान अमला ने कुल 4 फिल्मों में काम किया। पहली फिल्म नागा चैतन्य के साथ, फिर रामचरण, अल्लू अर्जुन जैसे स्टार्स के साथ भी काम किया, फिर भी इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। अमला ने इंटरव्यू में तेलुगु इंडस्ट्री को छोड़ने का कारण बताया। उन्होंने कहा कि तेलुगु फिल्मों में हीरोइनें सिर्फ लव सीन और सॉन्ग्स के लिए होती हैं। इंटरव्यू के दौरान अमला ने तेलुगु इंडस्ट्री में फैले नेपोटिज्म की तरफ भी इशारा किया। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में फैमिली कॉन्सेप्ट चलता है, कुछ फैमिली इंडस्ट्री को चला रहे हैं। अमला के मुताबिक तेलुगु फिल्मों में हीरोइनों को बस ग्लैमर के तौर पर पेश किया जाता है, इसलिए वह खुद को उस इंडस्ट्री से जोड़ नहीं पाई। अमला इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में है। उन्होंने कुछ समय पहले अपने एक्स बॉयफ्रेंड भविंदर सिंह पर ब्लैकमेल करने और हैरिस का आरोप लगाया के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में शादी को लेकर सबूत पेश किए जाने पर रिहा कर दिया गया। अब फैंस इसको लेकर काफी कंफ्यूज्ड हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।